दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर है सैमसंग का J7 2015 मॉडल, जिसका फोल्डर यहाँ पे टूट चुका है। फोल्डर का मतलब डिस्प्ले, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से टूटी हुई है। तो यहाँ पे इसको मैं आपको ऑन भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ऑन जैसे ही मैं इसको करूँगा तो आपको यहाँ पे वाइट देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आज इसको भी ठीक कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक गॉड फादर में। अगर कहीं से चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आ जाए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरे पास सैमसंग का J7 है, जो कि मैं आपको इंट्रो में बता चुका हूँ। इसके फोल्डर बिल्कुल ख़राब है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो चलिए आज इसको रिपेयर करके देखते हैं। और मेरे पास यहाँ पर एक न्यू फोल्डर भी है, जो कि मैं लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास नया फोल्डर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इसको खोल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल न्यू फोल्डर है और ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो आज मैं इसकी जगह यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो चलिए पहले यहाँ पे इसके हमें निकालना है फोल्डर जो पुराने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बैक पैनल यहाँ से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आपको यहाँ से बैटरी डिस्कनेक्ट करनी है, जो कि मैं अभी कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है। तो अब यहाँ पे कुछ अलग सी एक चीज़ होती है जो आपको खोलनी पड़ेगी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसलिए खोला जाता है क्योंकि इसके नीचे आपकी स्क्रीन का कनेक्टर दिखेगा, जो कि मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वायर तरीके का जा रहा है। तो यहाँ पर इस कनेक्टर को आपको रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैं कैसे हटा रहा हूँ। तो ये हट चुका है दोस्तों। तो बस आपको इतना से काम करना है। अब आपको अपने फोल्डर के पास वापस आ जाना है। अब यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे SMD को यूज़ करने वाला हूँ। धीरे धीरे आप इसको हल्का हल्का करना, ताकि आपके होम बटन वगैरह कुछ भी यहाँ पर जले ना। तो यहाँ पर SMD से मैं इसको बिल्कुल निकाल देता हूँ फोल्डर को। तो यहाँ पे मैं ओपनर की मदद से इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरी डिस्प्ले यहाँ से निकल चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल टूटी हुई थी ये डिस्प्ले, अब ये किसी भी काम की मेरी नहीं रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो चलिए इसको यहाँ पे साइड में कर देते हैं। चलते हैं अब अपनी यहाँ पर फ्रेम की तरफ, क्योंकि अब यहाँ पर स्क्रीन तो है नहीं, अब यहाँ पर हमको फ्रेम ही देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर आपको इसको धीरे धीरे क्लीन करना है। तो क्लीन कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ट्वीज़र की मदद से यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे आपको क्लीन करना है, जो कि मैं भी यहाँ पे पहले होम बटन हटा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे होम बटन भी। तो यहाँ पे अभी मैं ट्वीज़र की मदद से इसके साइड साइड में जितना भी है गम वगैरह पहले से लगी हुई है, उसको ऐसे आपको रिमूव कर देना है। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं। तो सारी आपको रिमूव करनी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी न्यू फोल्डर लगाओगे तो वो ठीक से नहीं बैठेगा अगर आपने रिमूव नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक सारा कुछ रिमूव कर दिया। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर आप कैमरे वैमरे पे ना मार दो। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह से इसको। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये मेरा क्लीन हो चुका है। तो क्लीन करने के बाद आप यहाँ पे आपको यहाँ पे फोल्डर इसको कनेक्ट करके दिखा दूंगा मैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले आपको फोल्डर हमेशा लगाना नहीं होता शुरू में, सबसे पहले आपको फोल्डर को चेक करना होता है। कई बार क्या होता है फोल्डर आपका ख़राब हो जाता है लाते हुए, तो सबसे पहले अपने फोल्डर को चेक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो चलिए अब इसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करूँगा। तो कैसे कनेक्ट करना है वो भी आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे एक पेस्ट यूज़ करने वाला हूँ, जिसको मैं यहाँ पे फोल्डर को लगाने वाला हूँ जिस पेस्ट पे। तो यहाँ पे अब मैं ये T7000 की यहाँ पे पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऐसे कोने कोने पे लगाना है, हर जगह पे। कैमरे पे मत लगाना दोस्तों, ना सेंसरों पे, वो काम करने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैसे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा चुका हूँ सारी जगह। तो अब यहाँ पे चलिए आप फोल्डर को कनेक्ट करते हैं अपने फ्रेम से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यही ब्लू कलर का कुछ दिख रहा होगा, आपको इसको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव हो चुका है। और आपको यहाँ पे साइड में पेपर भी दिख रहा होगा, अब आपको यहाँ पे इसको भी हटाना होगा, ताकि आपका जब भी फोल्डर लगे तो बाद में ये ना दिखे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हटा दिया इसको। तो चलिए अब फोल्डर को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको हल्का सा करना है, ताकि यहाँ पे आपका पत्ता वगैरह कुछ भी कटे ना।
तो ये इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने होम बटन नहीं लगाया, तो चलिए अब इसको भी लगा देते हैं नीचे ताकि ये फिट बैठ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मैं कनेक्टर भी कनेक्ट कर देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टर अभी कनेक्ट नहीं है, तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये भी मैंने कनेक्ट कर दिया और बैटरी भी यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और सब कुछ इस पे कनेक्ट करने के बाद चलिए अब मैं यहाँ से इसका पेपर उतार देता हूँ ऊपर से, जो भी इस पे फ्लेम चढ़ी हुई है। तो उतारने के बाद आप चलिए इस फ़ोन को भी यहाँ पे, अभी आपको क्या करना है दोस्तों, अभी ये आपकी डिस्प्ले अच्छी तरह से नहीं चिपकी है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी रबर बैंड का यूज़ करना है जिससे कि आप यहाँ पे इसको प्रेस कर सके अच्छी तरह और ये स्क्रीन आपकी अच्छी तरह यहाँ पे बैठ जाए। तो ये चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने कितनी सारी यहाँ पे रबर यूज़ करी है। तो चलिए अब इसको मैंने ऑन कर दिया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिवाइस ऑन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय दोस्तों।